एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इवेल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो यहाँ पे जो दो नंबर्स दिए प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो इसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है बट विदाउट मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाई नहीं कर देना है इसको, बिना मल्टीप्लाई किए इसका आंसर मतलब प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको आइडेंटिटी यूज़ करनी है। क्या यूज़ करना है, आइडेंटिटी। तो अब ये दो नंबर्स दिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कौन सी आइडेंटिटी हम अप्लाई कर सकते हैं वो, तो वो कैसे डिसाइड करना है। तो सबसे पहले तो ये नंबर कितने हैं, दो नंबर्स हैं, तो हमें ऐसी आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी जिसमें दो ब्रैकेट आते हो, राइट। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन वाली आइडेंटिटी हमने बहुत देखी थी, वही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करनी है। जैसे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी जो कल फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यूज़ की थी, तो यहाँ पे भी वही कर सकते हैं। तो इसको पहले तो स्प्लिट करना पड़ेगा, टू ब्रैकेट में कंप्लीट इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो जैसे और हमने जो आइडेंटिटी देखी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये आइडेंटिटी इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, राइट। तो इसमें फर्स्ट टर्म सेम है और सेकंड टर्म अलग अलग, तो हमें इसको ऐसे कन्वर्ट करना है कि जिसमें फर्स्ट टर्म सेम रहे, राइट। तो ये 103 और 107 मतलब 100 प्लस है दोनों, तो हम वही कर देते हैं कि इज इक्वल टू 100 प्लस 3, ये 103 हो गया, फिर मल्टीप्लाई 100 प्लस 7 हो गया। तो ये दो ब्रैकेट ऐसे ही कंप्लीट स्प्लिट हो गए। अब यही फॉर्मूला, यही आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो फर्स्ट टर्म का हमने स्क्वायर किया था, क्या किया था, फर्स्ट टर्म एक्स का स्क्वायर किया था, तो इज इक्वल टू 100 स्क्वायर, उसके बाद प्लस, तो यहाँ प्लस, फिर क्या किया, ए प्लस बी मतलब 3 प्लस 7 हो जाएगा, तो 3 प्लस 7 इंटू एक्स, तो एक्स मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, प्लस ए बी, ए बी मतलब 3 इंटू 7, तो 100 का स्क्वायर करो तो 10,000 होगा, दो जीरो है तो स्क्वायर करो तो 4 जीरो हो जाएंगे, ये याद रखना है। प्लस ये 3 प्लस 7 10 मल्टीप्लाई 100 तो 1000, प्लस 7 3 20 1, 10,000 प्लस 1000 11,000 प्लस 21, तो होगा क्या 11,021। ये फर्स्ट वाला सम, राइट, सिंपल है। यही फॉर्मूला से आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करनी है वो पहले डिसाइड करो, उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा प्रोडक्ट फाइंड करना। सेकंड नंबर दिया है इसमें, सेकंड नंबर में दिया है 95 मल्टीप्लाई 96। तो अब इसको भी ऐसे ही दो ब्रैकेट में स्प्लिट करना है, तो ये 90 प्लस 5 हो जाएगा इनटू 90 प्लस 6, 95 और 96 हो गया। अब यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लिखोगे तो चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आइडेंटिटी लिखनी है, राइट। हमें सिर्फ उसको इवेल्यूएट मतलब उसकी वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट मल्टीप्लाई। तो ये हमने स्प्लिट कर दिया, अब वही आइडेंटिटी यूज़ करो, तो 90 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इंटू 90, ये एक्स वाला, राइट, प्लस 5 इंटू 6, तो 99 का स्क्वायर करो तो 81 और 0 डबल हो जाएगा, तो 8100 प्लस 11 9 99 और ये 0 990 प्लस 6 5 30, राइट। इसको प्लस कर देते हैं तो आंसर मिलेगा 0 9 प्लस 3 12 2 1 9, ये आंसर मिलेगा, राइट। तो ये भी आइडेंटिटी से हमने फाइंड कर दिया। इसको हमने 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 किया। अगर तुम्हें ऐसे नहीं करना होता और ऐसे कर दे कि ये 95 है तो 100 माइनस 4 तो भी हो सकता है,
इसमें भी वही आइडेंटिटी तो यूज़ करनी है, सिर्फ ये नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ लेना है। देखो कर देते हैं इसको, तो 100 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। प्लस प्लस एज इट इज़ पहले लिख देना है, फिर ये दोनों जो है वो -5 -4 एंड इंटू 100, ये साइन के साथ लिख दिया, और प्लस उसके बाद -5 -4, राइट। तो ये इज इक्वल टू, देखो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10,000, 4 0 हो जाएंगे। अब ये -5 -4 -9 होता है, -9 × 100 -900 क्या होगा, -900, और ये -+20 हो जाएगा, राइट। तो 10,000 में से 900 माइनस कर दो तो 9,100 हो जाएगा, +20 तो इज इक्वल टू 9,120, राइट। सेम आंसर दोनों मेथड से आ गया। तो तुम्हें स्प्लिट करना है उसको, प्लस करके करते हो या माइनस करके करते हो, ओके। तो ये था सेकंड नंबर, अब उसके बाद थर्ड नंबर करते हैं। थर्ड नंबर में दिया है 104 × 96। अब यहाँ क्या सोचोगे, तो यहाँ आइडेंटिटी चेंज होगी। देखो 104 और 96, तो प्लस करके करो तो पॉसिबल ही नहीं है दोनों का, कि दोनों का प्लस में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि 100 + 400 + 6, पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ पे दोनों 90-90 थे, ऊपर 100-100 था, तब वो आइडेंटिटी हमें सोच ही लेनी है, पर यहाँ पे ऐसे नहीं है, देखो डिफरेंस ज़्यादा है, तब ये दो अलग अलग ब्रैकेट बनेंगे वो याद रखना। तो ये 100 + 4 होता है और ये 100 - 4 होता है, वो याद रखना है। तो इज इक्वल टू 100 + 4 और ये 100 - 4, +4 करो तो 104 - 4 करो तो 96, राइट। तो ये कौन सी फॉर्मूला, तो a + b आइडेंटिटी थी और a - b, एक बार प्लस एक बार माइनस, बोथ द टर्म्स आर सेम, यहाँ पे दोनों टर्म्स सेम है बट एक बार पॉजिटिव प्लस एक बार माइनस है, तो उसका आंसर था a² - b², स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। यही आइडेंटिटी यहाँ यूज़ करनी है, तो 100² - 4² राइट। 100 का स्क्वायर करो तो 10,000 - 16 तो इज इक्वल टू 9,984। तो ये आइडेंटिटी से इसको सॉल्व कर दिया, राइट। ये कर लो, लास्ट में मैं इसके जैसे तुम्हें और एक्स्ट्रा सम होमवर्क में दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, मतलब जो आइडेंटिटीज हम यूज करते हैं वो करके इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो अब यहाँ पे सम तो बहुत छोटे छोटे, बस तुम्हें जो पहले मैंने कल आइडेंटिटीज दी है वो आइडेंटिटीज सारी लर्न होनी चाहिए, और उसको कैसे यूज़ करते वो प्रैक्टिकली थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करके सीखना पड़ेगा, कि यहाँ पे यही आइडेंटिटी आई थी, ये तुम्हें कंप्लीट पता हो चलना जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखो 3 टर्म्स है, राइट, 3 टर्म्स है, और फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर है और लास्ट टर्म भी स्क्वायर है, ऐसे हो तब क्या आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा हो तब सबसे पहले तो a² + 2ab + b² ये आइडेंटिटी थी, इज इक्वल टू क्या था पता है, a + b² ये, मतलब ये फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर है, सेकंड टर्म भी स्क्वायर है, राइट। ऐसे ये आइडेंटिटी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये a स्क्वायर है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो है 9√3 होता है, x² का x, y² का y हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो लिखते हैं इसको, देखो ऐसे कि 3x² लास्ट टर्म डायरेक्ट लिख देता हूँ, y² मतलब इसका √y हो गया और ये पूरी टर्म का √3x हो गया। अब मिडल टर्म में क्या है, 2 × ab, तो 2 उसके साथ ये √ फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का √ है यहाँ पे, तो प्लस 2 में एज इट इज़ लिख देता हूँ पहले,
क्या लिख देता हूँ, टू एज इट इज, ये आइडेंटिटी वाला। अब फर्स्ट टर्म जो था उसका स्क्वायर रूट है, मतलब तो 3x होगा 3x, और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट y। अब ये देखो, ये जो टर्म बन गई 2 3 6 xy, तो ये 6xy हो गया, बस ये कंप्लीट होना चाहिए। तो अब ये तीन टर्म्स ऐसे हो गए, तो इसका आंसर क्या आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a क्या हो गया 3x, और b क्या हो गया y, तो 3xy होल स्क्वायर। ये तो इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो 3x + y (3x + y), दोनों ब्रैकेट सेम तो स्क्वायर होता है। तो यहाँ तक करोगे तो भी राइट ही है, राइट। तो ये था फर्स्ट नंबर। आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी वो तुम्हें पता चल जाना चाहिए, इसलिए आइडेंटिटी सारी ऐसे लर्न कर दो कि कभी भी कहीं पे भी आए यूज़ तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए। सेकंड नंबर दिया है 4y² - 4y + 1, इसलिए आइडेंटिटी 25 टाइम कंपलसरी करनी है तुम्हें, राइट। अब ये जो है 4y² - 4y + 1, तो ये भी वही आइडेंटिटी हो सकती है। फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट भी परफेक्ट स्क्वायर है, वन परफेक्ट स्क्वायर होता है, पर यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो ये वन ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी आएगी। देखो ए माइनस ए ऐसे था, ए स्क्वायर माइनस 2ab + b² इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी। यहाँ नेगेटिव साइन थी, यहाँ मिडल टर्म में नेगेटिव साइन है, राइट। तो करते हैं देखो कि ये 4y² तो इज इक्वल टू क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट 2y² होल स्क्वायर, राइट। लास्ट टर्म 1 होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब मिडल टर्म में पहले से यहाँ नेगेटिव है तो माइनस लिख देते हैं, राइट, माइनस लिख दिया। और 2 as it is, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट क्या था 2y, और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट 1 + as it is। तो ये देखो 2 2 4 × y 4y, और माइनस 4y हो गया, ये मिडल टर्म अपने आप हो गए सेट। तो अब इसका आंसर ऐसे ही लिखना है 2y, यहाँ जो साइन होती है वो, एंड लास्ट टर्म 1 होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 2y - 1 × 2y - 1, ये हो गया आंसर। बहुत इजी है, राइट। अब इसमें थर्ड नंबर करते हैं। थर्ड नंबर में क्वेश्चन दिया है x² - y² / 100 / 100। अब यहाँ पे देखो 3 टर्म्स नहीं है, कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। वाई स्क्वायर का वाई होता है, 100 का 10 होता है। जब दोनों परफेक्ट स्क्वायर दिए हो और उनका सब्ट्रैक्शन, मतलब डिफरेंस बिटवीन टू परफेक्ट स्क्वायर, ये याद रखना है कि डिफरेंस माइनस मतलब डिफरेंस बिटवीन टू परफेक्ट स्क्वायर, दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में सब्ट्रैक्शन की साइन हो और दो ही टर्म हो, तो वन एंड ओनली वन आइडेंटिटी यूज होती है, वो कौन सी, a² - b²। तो a² - b² इज इक्वल टू क्या था, a + b (a - b). अगर ये टर्म दी हो तो हम ये आंसर लाते हैं, ये दिया हो तो ये आंसर लाते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे इज इक्वल टू ये x, उसका स्क्वायर रूट x होगा, तो ये हो जाएगा ऐसे, राइट। तो x² माइनस y/100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 10 होल स्क्वायर, तो ये y² और 10 का स्क्वायर 100, यही होगा। अब ये a² - b² हो गया, देखो तो करना क्या, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो x + y/10 × x - y/10, ये हो गया आंसर उसका, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये दोनों आइडेंटिटीज से ही यूज़ करने, तो ये तुम्हें कंप्लीट सम 2-2 टाइम कर देने। 2-2 टाइम करने के बाद इसके एक्स्ट्रा सम मैं तुम्हें देता हूँ, वो तुम्हें सॉल्व। देखो ये होमवर्क में ये 3 इवेल्युएट करने, जो क्वेश्चन 2 में हमने किया था वैसे, राइट, और ये क्वेश्चन 3 के 3 सम किए वैसे, इसको भी फैक्टराइज करना है,
दोनों में क्या यूज़ करना है, आइडेंटिटीज़, क्या यूज़ करना है, आइडेंटिटीज़। ओके, ये भी होमवर्क में कर देना है तुम्हें।